अस्सलामुअलैकुम जी। तो आज दूसरा दिन है वीडियो बनाने का और सारी रात ही बारिश ही बारिश थी। ये देखें पीछे पानी, जानवर बैठे हुए हैं। इधर हमने चोई चोई की थी इनकी, ये मशीन रखी हुई है, मशीन पे इनकी चोई होती है। ये देखिए सारा सेटअप ना, ये मशीन के ऊपर फिलहाल पैराशूट वाला कपड़ा डाला हुआ है। ये इधर खुरलियों में इन्हें वंडा डाला जाता है। ये है हमारा मुकम्मल सहन। तो ये भी चारा चूरा खा के बैठ गई है। वैसे मैं बेसिकली हूँ सरायकी ज़िला रहीमियर खान से, थोड़ी बहुत उर्दू मिक्स पंजाबी ऐसे बात कर लेते हैं। तो ये जो आपको गट्ठे नज़र आ रही हैं, ये है अपनी सैलेज की। उसके अलावा है ये है जी अपना चारा इन गायों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बाद तो देखें वो तूड़ी, ये अपना रिक्शा खड़ा हुआ है जिस पे घास लादा हुआ है। ये टोका मशीन है, इसके आगे घास कुतरा हुआ पड़ा है। ये तो ये आगे इनके बच्चे, ये ब्राउन कलर वाला मेल है, ये तीन फीमेल हैं और एक ये मेल बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है। तो ये बस इनका सामान पड़ा हुआ है, फिलहाल लाइट है नहीं। ये जनरेटर पे इनकी चुवाई की थी। तो बाकी वीडियो कुछ देर बाद बनाएंगे, इन्हें जब चारा वगैरह डाला जाएगा तो वीडियो इंशाल्लाह बना के डालेंगे जी। तो अब ये जानवरों को खुला छोड़ दिया है, ने चारा वगैरह डाल दिया है। मैं अकेला हूँ इसलिए जो है ना चारे डाल देते हैं, वीडियो नहीं बना सका। ये चारा डाला हुआ है इन्हें, ये देखिए ये खा रही हैं। ने खुला छोड़ दिया है, अब ये सारा दिन खुली रहेंगी, शाम तक चोई करते हैं इनकी। कोई तकरीबन 5 बजे, 4:45 बजे ना इनकी चोई की जाती है। फिलहाल मेरे पास ये 6-7 जानवर हैं, इंशाल्लाह आगे लेने हैं। मेरा नया काम है अभी, तो काम ही खुद कर रहे हैं, मैनेज करना थोड़ा सा बहुत ही, थोड़ा सा नहीं फिलहाल तो बहुत मुश्किल लगता है। आगे चल के इंशाल्लाह सेटिंग हो जाएगी। तो यूट्यूब पे भी अभी नया नया काम ही शुरू किया है। इसे तो वैसे 1.5-2 महीने हो गए हैं जानवर इधर रखे हुए हैं। तो यूट्यूब पे अभी दूसरा तीसरा दिन है। एक को इधर अकेला बांध दिया है, छोड़ दिया, मतलब ये जो है ना सब इसे मारते हैं, जितनी भी गायें हैं वो सारी इसे मारती हैं, इसलिए इसे अलहदा बांधा हुआ है, अलहदा चारा खाती है। ये हैं इनके बच्चे जो कि अभी भूखे खड़े हुए हैं, इन्हें वंडा वगैरह तो डाल दिया है। तो ये सब चारे के ये खड़े हुए हैं, अब सब चारा मांगते हैं। तो सब चारा रखा हुआ है इधर, सब चारा डालेंगे इन्हें। सब चारा डाल के फिर देखेंगे कब डालते हैं। तो इंशाल्लाह फिर जब चुवाई करेंगे तो तब वीडियो बनाएंगे। जब गायों को चुवाई पे लगा दिया जाएगा ना तो ही बनाएंगे, क्योंकि मैं अकेला हूँ इधर, तो सारा काम वगैरह मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए फ़िलहाल तो नया नया काम है। थोड़ा सा लगता भी अजीब है कि क्या कर रहे हैं हम, ये टाइम पास वगैरह वगैरह। ठीक है जी, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह शाम को, या अगर कोई एक और काम हुआ तो उसी वक्त वीडियो बनाएंगे। इन्हें फ़िलहाल इस कमरे के अंदर बांध देते हैं, क्योंकि अभी फ़िलहाल नया नया काम है तो फ़िलहाल काम की समझ नहीं आ रही जी। तो
अब 4:30 हो गए हैं, तकरीबन 20 मिनट तक इनकी चुआई शुरू करनी है और इन्हें बांध दिया गया है अब दोबारा से। अब इनका वंडा वगैरह बनाएंगे, वो भी दिखाएंगे क्या क्या चीज़ डालते हैं। ये सैलज पड़ी हुई है, ये गायें हैं माशाल्लाह जी। ये डाल दिया है चोकर और गंदम का दलिया। ये आ गया इसके साथ दूसरा वंडा, इसमें है कोई शीरा मिनरल बाईपास फैट वगैरह DCP, ये मिक्स करके अभी ने इधर डाल दिया जाएगा। ये जी हो रहा है मिक्स, ये हो रहा है मिक्स आधा इस तरफ और आधा इस तरफ डाल दिया हमने। दो गायें एट वक्त चोई पर लगी जाएंगी, दो गायों की चुआई होती है एक साथ ही। और ये रही मशीन, बना था दो का, अब तीन है, तकरीबन 5 गायें हैं चुआई पे। दो को अलहदा डालते हैं और तीन का बंडा अलहदा बनाते हैं। जो बड़ी है उन्हें अलहदा डालते हैं, जो छोटी है उन्हें अलहदा डालते हैं। अब लेने जाएंगे छोटियों का बंडा, छोटियों को सिर्फ मिक्स बंडा डालते हैं। इसमें दूसरा अपना गंदम का दलिया या चोकर नहीं डालते, बस ये जो मिक्स पड़ा हुआ यही डालते हैं। तो ये आ गया छोटियों का बंडा, ये खुरलियों के साथ रख देंगे। जब बड़ियों की चुआई हो जाएगी तो फिर छोटियों को डाल के फिर उनकी चुआई की जाएगी। तो इंशाल्लाह आज आपको चुआई दिखाएंगे इनकी। ये तो आप चुआई लग चुकी है इनकी, इनके साथ जाओ तो ये डर जाते हैं थोड़ा, इस वजह से ना थोड़ी दूर से बना रहे हैं। ये देखो चुआई इनकी शुरू हो गई है, तो फिर इंशाल्लाह देखते हैं फिर चुआई करके आपको बाद में इनका धोना दिखाएंगे, मशीन को धोते कैसे हैं जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह चुआई हो चुकी है मुकम्मल, बछड़ियों और बछड़ों को भी दूध पिला दिया गया है उनके हिस्से का। ये मशीन वगैरह धो के रख दिए गई है इधर, ये देखे जानवर अब बैठे हुए सुकून से। अभी इन्हें वंडा डाला जाएगा, वंडा वगैरह डाल के फिर पर्दा वगैरह नीचे डाल देंगे। ये चारा वगैरह पड़ा हुआ है इनका, अभी ये कुछ ना सर्दी की वजह से चारा वगैरह नहीं खा रहे सही, बारिश की वजह से ना, सर्दी तो नहीं बारिश की वजह से चारा वगैरह सही नहीं खा रहे। तो प्रोडक्शन भी इनकी फ़िलहाल जो है ना जितनी की थी उनसे तकरीबन कम ही आ रही है फिलहाल ना। तो अब इन्हें वंडा डालेंगे, वंडे के लिए पहले इनका बर्तन उठा लेते हैं। ये इसमें बच्चा भी हुआ, ये थोड़ा सा डाल देंगे, पहले दो जानवरों को ये डाल देंगे। ये हम देते हैं कोई ना किलो के हिसाब से देते हैं, मतलब कि जिस गाय का दूध 3 किलो है तो उसे वंडा दे दिया 1 किलो, अगर जिसका 10 किलो है तो उसे 3.5 से 3.25। इसी तरह मिल्क के हिसाब से वंडा डाला जाता है इन्हें। तो अभी तो ये वंडा ख़त्म हो चुका है, दूसरा वंडा लेने जाते हैं उधर से। और हमने ये वंडा अपना बनाया हुआ है जिसमें बाईपास फैट है, मिनरल है, DCP है, उसके अलावा यीस्ट डालते हैं इसमें, उसके अलावा गंदम हो गई, चोकर हो गया, खल हो गई, सरसों हो गई, वो शीरा हो गया, ये सब कुछ डाल के फिर इसे तैयार किया जाता है, फिर इन्हें डाला जाता है। अपना वंडा बनाने का सबसे पहले तो ये बात है कि अपनी चीज़ बनाते हैं तो हमें पता होता है क्या डाला है क्या नहीं डाला, जानवर नुकसान दे रहा है फ़ायदा दे रहा है क्या कर रहा है। अपना वंडा बनाने का सबसे ना बेहतर जो है यही चीज़ है जी। अभी ने वंडा वगैरह डाल लिया गया, अब इनके पर्दे नीचे गिराने लगे हैं।
करते हैं नीचे गिरा के, और सब चारा जो पड़ा हुआ उसे कुतरना है, उसे कुतर के फिर आज का काम हो जाएगा यहीं पे ख़त्म। तो फिर कल से इंशाल्लाह जब से उठेंगे फिर से कल से नई वीडियो बनाएगी अल्लाह के हुक्म से। तो तब देख रहे हैं, देखे नीचे डाल रहे ये जानवर का आगे बंडा हो गया, ये इसे खा रहे हैं। ये देखें, ये फिलहाल ये जो तीन छोटी जानवर है ना, छोटे जानवर, ये छोटी गायें, ये लाइक कर रही हैं बंडे को। ये बड़े जानवरों के ना ये कुछ कम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ना वो अपना सरसों वाले हैं ना, सरसों हो, जिसकी वजह से ये कुछ लाइक कम कर रहे हैं उसकी कड़वाहट की वजह से। तो इंशाल्लाह ये भी आगे मज़ीद ठीक हो जाएंगी दो चार दिनों तक, फिर इनकी प्रोडक्शन भी ठीक हो जाएगी। तो जी उधर आए हुए हैं अबू, अबू छोटे बछड़ियों वगैरह को छोड़ के अंदर बांधेंगे, मैं सब चारा कुतरूंगा। इसी के साथ ही आज की वीडियो का यहीं पे इख्तिताम, कल से इंशाल्लाह नई वीडियो बनाएंगे फिर। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नी के बाद। जी अब इनकी सफाई की जाएगी, इन्हें खुला छोड़ दिया गया, तो इनके गोबर वगैरह उठा लेंगे, घास वगैरह भी इन्होंने ख़त्म किया हुआ है, घास भी डालेंगे, और जो सुबह देखा था कुतरा हुआ पड़ा है मशीन के सामने वो उठा के डाल लेंगे। फिर इसके बाद और घास काटने जाएंगे, घास काट के फिर ले आएंगे इधर। अभी तक लाइट नहीं बनी, लाइट ख़राब हुई पड़ी है, इसकी सफाई करने लगे हैं। सफाई करके ना फिर इन्हें घास डालते हैं, घास डाल के पानी इनका पूरा करते हैं, पानी शानी पूरा करके फिर जाएंगे घास और काटने। तो अभी इनकी सफाई कर लेते हैं,